हाय, दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपका हिस्ट्री का एग्जाम बहुत अच्छे से हो गया। जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, पूरे 10 के 10 क्वेश्चन गाइस आपके एज इट इज आए हैं आपके एग्जाम में। यानी कि आपका पूरा 100 मार्क्स का एग्जाम आपका एज इट इज आया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब बारी है पॉलिटिकल साइंस की थर्ड ईयर, जो कि आपका एग्जाम है नेक्स्ट संडे को। तो आई होप कि आप सब ने कुछ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी एग्जाम्स के लिए। बाकी आज की जो वीडियो रहेगी हमारी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आप सबके लिए, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस तैयार किए हैं जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री के एग्ज़ाम में प्रोवाइड किए थे। अगर आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। तो ये आप पे है कि आपको कितना अच्छी तरीके से उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करते हैं। बाकी जो आज की वीडियो रहेगी, इसमें हम क्वेश्चंस के साथ साथ आज आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि सभी नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। इवन मुझे काफ़ी कमेंट्स आए कि सर, जिन बच्चों की बैक कर रखी है सेकेंड ईयर में, क्या आप उनके लिए भी वीडियो लाएंगे? तो डेफिनेटली मैं सभी कोर्सेज कम्प्लीट करूँगा, चाहे वो सेकेंड ईयर हो चाहे वो फर्स्ट ईयर हो। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल में जो वीडियोस रहेंगी वो आपके इस साल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली होंगी। इवन मुझे इतने कमेंट्स भी आए कि सर, कहीं आपके टाइप्स तो नहीं है SOL के साथ? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। SOL एक बहुत ही रेपुटेड कहते हैं कॉलेज है, एक इंस्टीट्यूट है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसा काम वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता। बाकी मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो उस बेसिस पे मैंने आपको वो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे। जो अब आपका एग्ज़ाम रहेगा पॉलिटिकल साइंस का, उसमें भी आपको मैं क्वेश्चन उस तरीके से ही प्रोवाइड करूँगा, जो कि आपके इस साल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आप सबके लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। खासकर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं आज कुछ बेसिक लैंग्वेज यूज़ करूँगा, ताकि उनको भी काफ़ी ज़्यादा समझ सके वो भी वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। CQ से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति के कारण बताएं। सबसे पहले शीत युद्ध क्या होता है? इट्स अ कोल्ड वार, यानी कि इसमें कोई भी हथियार, कोई भी सेना का यूज नहीं होता। दोनों गुटों के लोग आपस में अपने विचारों से लड़ते हैं, यानी कि उसी से शीत युद्ध आरंभ होता है। इसी को शीत युद्ध कहा जाता है, इट्स अ कोल्ड वार। ठीक है, इसमें दो ही बड़ी महाशक्तियां थी जिन्होंने आपस में शीत युद्ध लड़ा। एक था USA, जिसे हम अमेरिका भी कहते हैं, दूसरा था USSR, जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं। ये शीत युद्ध आपका ऑलमोस्ट 42 ईयर्स तक चलता रहा, और इसके जो मेन उत्पत्ति के कारण थे वो थे बर्लिन में नाकेबंदी, शक्ति संघर्ष ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों गुटों के लोग आपस में शक्ति पाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कभी अमेरिका तो कभी सोवियत संघ ऊपर आते जा रहा था, तो दोनों के बीच लंबे समय तक प्रयास चलता रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था शीत युद्ध का। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न था तुर्की पर सोवियत संघ का दबाव। ठीक है, और सबसे मेन रीज़न ये था कि जब कहते हैं शीत युद्ध आरंभ हुआ, तो उस समय क्या हुआ, अमेरिका ने जापान पर बम गिरा दिया, और उसके बाद भी उसके पास दो बम थे, यानी कि एक बम गिराने के बाद भी जापान पर अमेरिका के पास दो बम अभी भी बाकी थे। यानी कि अमेरिका उस दौर में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि अमेरिका था पूंजीवादी और सोवियत संघ था साम्यवादी, यानी कि दोनों की अपनी अपनी विचारधारा थी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा पूंजीवाद के कहते हैं हित में रहा है, और सोवियत संघ आपका साम्यवाद के हित में था, तो दोनों के बीच टकराव होना एक आम सी बात थी। तो इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। इसमें कहते हैं कोई भी दोनों गुटों के लोग कोई भी हथियार यूज़ नहीं करते, कोई भी कहते हैं वेपन्स यूज़ नहीं करते, ना ही कोई सेना यूज़ करते हैं, ना ही लड़ते हैं। इसमें सिर्फ दोनों गुटों के लोग आपस में विचारों के प्रति लड़ते हैं, यानी कि अपने अपने विचार प्रकट करके दूसरे के प्रति उसी से लड़ते हैं। इसी को शीत युद्ध कहा जाता है सिंपल डेफिनेशन में। बाकी आप इसको अपने तरीके से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, भारत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपका हर साल एग्जाम में आया है, और इस बार भी इस क्वेश्चन के आने के फुल ऑन चांसेस है। तो इस क्वेश्चन की आप खास तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। सबसे पहले देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि
जब कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड हुई और शीत युद्ध हुआ, तो दोनों ही युद्धों में, तीनों युद्ध में सिर्फ दो महाशक्तियां थी जो सबसे ज्यादा उभरी, एक थी आपकी सोवियत संघ और एक थी आपकी अमेरिका। और उसके बाद आया गुटनिरपेक्षता। आप सबसे पहले समझते हैं कि है क्या और भारत के संदर्भ में इसको स्पष्ट कीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात, हमारा भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस समय शीत युद्ध का दौर चल रहा था, ठीक है। तो उस समय दो बड़ी महाशक्तियां थी, एक थी आपकी अमेरिका और एक थी आपकी सोवियत संघ। तो उस समय जैसे ही भारत आजाद हुआ तो उसके सामने एक होड़ लग गई थी कि अब किसको ज्वाइन करूं, सोवियत संघ को या अमेरिका को, क्योंकि दोनों में से एक का हारना तो कहते हैं ऑब्वियसली तय ही था, क्योंकि दोनों तो नहीं जीत सकते। तो इसलिए कुछ देशों ने गुट निरपेक्षता को अपनाने का सोचा, यानी कि एक तरीके से कोलैबोरेशन भी नहीं कर सकते, गठबंधन भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ कि साथ चलकर काम करेंगे कुछ देश, जैसे कि इंडोनेशिया, बांग्लादेश और चीन भी कह सकते हैं, क्योंकि चीन भी उस समय था, कहते जब आज़ाद हुआ 1949 में। तो इन देशों ने, कुछ देशों ने आपस में गुट निरपेक्षता नहीं, आपस में गुट बनाया, यानी कि ये गुट तीसरी दुनिया के लोग भी कहलाए, जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री में भी बताया था, ठीक है। तो अब तीन चीज़ें बन गई थी, एक थी आपकी अमेरिका, एक थी सोवियत संघ और एक थी गुट निरपेक्षता, ठीक है। अब समझते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने अपना काम किया। शीत युद्ध का विरोध, जब भारत के संदर्भ में अब बात करते हैं, शीत युद्ध का विरोध यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय स्वतंत्र हुआ, तो उसने उसके बाद एक सबसे बड़ा मतलब मोर्चा था, एक विचारधारा थी कि शीत युद्ध का विरोध करो, यानी कि हमें शीत युद्ध नहीं चाहिए, हम अपना गुट बनाएंगे, और उन्होंने अपना गुट बनाया जिसे हम गुट निरपेक्षता कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि कहते हैं उसने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, यानी कि किसी भी बड़ी महाशक्ति को ज्वाइन नहीं किया, ना ही अमेरिका को ना ही सोवियत संघ को, ठीक है। उसने साफ तौर पर शीत युद्ध का विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, शक्ति को राजनीति से दूर रखा, क्योंकि जो दोनों गुट थे, अमेरिका और सोवियत संघ, वो दोनों ही गंदी राजनीति खेल रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालना, या कहते हैं दोनों का कहते हैं अपमान करना एक दूसरे का, वो लोग कर रहे थे शक्ति पाने के लिए। लेकिन भारत को भी शक्ति चाहिए थी, भारत को भी कहते हैं पावरफुल बनना था, लेकिन उसने शीत युद्ध का कटकर विरोध किया। उसने कहा कि भाई मुझे पावरफुल बनना है, लेकिन इस तरीके से मुझे पावरफुल नहीं बनना, इस तरीके से मुझे शक्ति हासिल नहीं करनी है। तो उसने शक्ति को राजनीति से दूर रखा, यानी कि उसने राजनीति तो की इंडिया वालों ने, गुट निरपेक्षता ने, लेकिन राजनीति को शक्ति से दूर रखा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन, यानी कि देखिए कुछ देश ऐसे थे जो चाहते थे कि जैसे कि अमेरिका हो गया, कि जो हम नीति बनाए उसको पूरा विश्व, पूरा ग्लोबल उसको फॉलो करे, यानी कि जो भी हम कहते हैं पॉलिसीज बनाएं, जो भी नीतियाँ बनाएं, उसको पूरा विश्व समर्थन करे। तो भारत ने ऐसा नहीं सोचा, भारत के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए था कि कहते हैं जो भी नीतियाँ बनाएं, जैसे कि हर देश अपनी खुद की नीति बनाए अपने देश के लिए, कि उस देश के लिए क्या चीज़ अच्छी रहेगी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हर देश डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे है, जैसे अमेरिका है, सोवियत संघ है, और देन इंडिया है, चीन है, सबका एक डिफरेंट लेवल है। तो हर देश की डिफरेंट डिफरेंट नीति होनी चाहिए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ ऐसा दावा कर रहे थे, खासकर अमेरिका, कि कहते जो नीति हम बनाए अपने देश में वो सभी पर लागू होनी चाहिए। तो इसका भारत ने, गुट निरपेक्षता वालों ने कहते इसका समर्थन नहीं किया। उनके मुताबिक हर देश को हक है अपने देश के लिए नीति बनाने का, तो इसी को स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन दिया गया है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, क्रियाशीलता ना कि अलगाव। देखिए किसी भी ग्रुप का कटकर विरोध करना और समर्थन करना ठीक नहीं है। इससे ये लगता है कि कहते हैं एक तरफ आप किसी का समर्थन कर रहे हैं और एक तरफ आप किसी का विरोध कर रहे हैं। तो भारत ने उस समय क्या किया, अमेरिका और कहते हैं आपका सोवियत संघ, दोनों को आपस में मिलाने का काम किया कि आपको लड़ना नहीं है, आपको एक साथ रहना है मित्र बनकर, यानी कि कहते हैं उस समय आग में घी नहीं डाला, जो भी लोग थे गुट निरपेक्षता में उन लोगों ने ऐसा नहीं किया।
उन लोगों का कहना ये था कि कहते हैं हमें एक साथ रहना चाहिए, ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। तो इसीलिए इसके कारण क्रियाशीलता ना कि अलगाव, यानी कि कहते हैं किसी भी ना ही कहते हैं किसी का खुलकर समर्थन किया ना ही किसी का खुलकर विरोध किया, दोनों का आपस में मिलाने का प्रॉपर तरीके से प्रयास किया। अब बात करते हैं आलोचना की। देखिए भारत शुरू से ही कहते हैं शीत युद्ध के विरोध रहा, लेकिन फिर भी कहते हैं कुछ लोगों ने इस पर आलोचना की है, महाशक्तियों से दूर शांति ना रह सकी। यानी कि देखिए भारत ने बोला कहते हैं हमें शीत युद्ध से दूर रहना है, हमें शांति चाहिए, क्योंकि उन्हें उस समय नई नई स्वतंत्रता मिली थी जब कहते हैं शीत युद्ध चल रहा था। तो पर फिर भी क्या हुआ, भारत को फिर भी लड़ाई लड़नी पड़ी 65 में 75 में। तो यानी कि भारत को फिर भी जंग का सामना करना पड़ा, यानी कि शीत युद्ध के जो उनके प्रति कहते हैं उनका विरोध था वो ज़्यादा लंबे समय तक कायम नहीं रह सका, भारत को फिर भी जंग का सामना करना ही पड़ा। सेकेंड पॉइंट समझते हैं मजबूरी की नीति। कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि कहते हैं गुट निरपेक्षता को अपनाना भारत की मजबूरी थी, क्योंकि उस समय दो बड़ी महाशक्तियां थी और उनके मुताबिक चलना, उस समय देश की जो स्थिति थी वो इतनी कायम नहीं थी कहते हैं कि इतनी सेना ला पाए, इतने हथियार ला पाए और उनसे मुकाबला कर पाए। तो इसलिए गुट निरपेक्षता भारत की एक मजबूरी की नीति भी कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, मित्रहीनता, यानी कि उस दौर में भारत किसी भी देश के साथ अच्छे लिंक नहीं बना पाया, यानी कि अपने देश का विकास करने के लिए भारत किसी भी देश के साथ अपने संबंध अच्छे नहीं कर पाया, ना ही USA के साथ और ना ही सोवियत संघ के साथ। तो इसे भी हम मित्रहीनता भी कह सकते हैं। तो यानी कि उस समय तीन बड़ी महाशक्तियाँ थीं, एक था सोवियत संघ अमेरिका, और उसके अगेंस्ट भी नहीं कह सकते, उसे कह सकते हैं गुट निरपेक्षता, जो कहते हैं दोनों को सुलझाने का प्रयास कर रहा था और ये भी कह रहा था कि शीत युद्ध सही नहीं है, आपस में आपको लड़ना नहीं चाहिए। इसमें इंडिया था, इंडोनेशिया था और भी कई देश शामिल थे जो कि कहते हैं USA और सोवियत संघ के विरुद्ध काम कर रहे थे। तो यही था आपका गुट निरपेक्षता वाला क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नव उदारवाद अथवा उदारवादी संख्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि उदारवाद और नव उदारवाद क्या है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि ये एक तरीके से कहते हैं आपकी एक सोच है, यानी कि एक नई सोच है कि हम कैसे कहते हैं दो देशों को आपस में मिला सकते हैं। इसको हम इस तरीके से समझते हैं। सबसे पहले जब कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस समय कहते हैं कुछ लोगों ने कोई एक कंपनी थी जिन्होंने सोचा कि कहते हैं कुछ ऐसा सोचे कि कहते हैं कि दो देशों के बीच हम कहते हैं आपस में प्यार बढ़ा सके, यानी कि दोस्ती करवा सकें, कुछ ऐसी नई सोच लाएं। लेकिन वो चीज़ कहते हैं संभव नहीं हो पाई, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ तो उसके बाद कहते हैं दोबारा से कहते हैं कुछ परिवर्तन किए गए उन कहते हैं बातों में, उन चेंजेस में, उस नई सोच में, कि ताकि इस बार कहते हैं ऐसा कुछ भी ना हो और इस बार युद्ध ना हो, कि सभी देश एक साथ मिलकर काम करें, ना कि एक दूसरे के विरुद्ध लड़ें। ठीक है, सबसे पहले इसको हम कुछ पॉइंट में समझते हैं। एक विल्सन नाम का बंदा था, उसने सोचा कि कहते हैं कोई ऐसी नई सोच लाते हैं कि कहते हैं जिससे कहते हैं विश्व में कोई भी युद्ध ना हो। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये कहते हैं सोच एक तरह से पूरी तरीके से मतलब कि गलत पड़ गई। उसके बाद हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद कुछ चेंजेस लाए गए, तो उसमें बताया गया कि कहते हैं इस तरीके से हम अपने देश को कहते हैं दूसरे देश के साथ अच्छे व्यापार कर सकते हैं, अच्छे लिंक बना सकते हैं। सबसे पहले नव उदारवाद की विशेषताएं। इससे क्या होगा कि कहते हैं जब एक देश दूसरे देश के साथ अच्छे व्यापार रखेगा तो दोनों देशों का फ़ायदा है, दोनों देशों अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं दूसरे के साथ और अपने कहते हैं व्यापार को, अपने देश का अच्छे तरीके से विकास कर सकते हैं। यानी कि अगर एक देश में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे दूसरे देश की हेल्प करनी चाहिए, जो कि जैसे मान लीजिए कि इस समय अमेरिका एक विकसित देश है, यानी कि एक पूरी डेवलप्ड कंट्री है, और इन केस कभी कहते हैं कोई और कंट्री पे, या कहते हैं बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया हो गया, किसी कंट्री पे कहते हैं कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आपातकालीन आती है, तो उस समय अमेरिका को उसकी देश की समर्थन करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि उसके विरुद्ध खड़े होना चाहिए। तो ये एक नई सोच थी, ये एक नया उदारवाद था, इसको हम कह सकते हैं।
यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले की सोच थी वो थी उदारवाद, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो चेंज लाए गए सोच में उसी को हम नव उदारवाद कह सकते हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं इजी वे में। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की, गैर राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग। यानी कि मान लीजिए कि दो देश हैं, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान, दोनों के बीच कई सालों से आपस में कहते हैं विरोध चल रहा है, आपस में कहते हैं दोनों देशों के जो संबंध है वो इतने अच्छे नहीं है। तो हम कहते हैं खेल के जरिए, कहते हैं जैसे क्रिकेट के मैचेस होते हैं, ठीक है, और तो उनके जरिए हम उन दोनों देशों की जो कहते हैं राजनीति है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं, यानी कि दोनों देशों को आपस में पास ला सकते हैं, जाकि ताकि दोनों देशों के जो कहते हैं संबंध हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुधरे, यानी कि सभी के जो देशों के साथ जो भी कहते हैं लिंक्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, क्रिकेट के जरिए, टेनिस के जरिए, यानी कि कुछ भी ऐसा करके कि ताकि दोनों देशों के जो संबंध है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आए। तो ऐसे बहुत से तरीके से हैं जिससे हम कहते हैं दो देशों को आपस में मिला सकते हैं। इसके बाद गैर राज्य अभिनेता की भूमि, हम सब जानते ही कहते हैं जैसे कि पाकिस्तान के कई नेता हैं जो इस समय इंडिया में आकर काफ़ी ज़्यादा मनी अर्न कर रहे हैं, जो अभिनेता हैं, जो सिंगर्स हैं, मैं उनका कुछ नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, तो वो यहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कहते हैं काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि दोनों देशों के बीच एक कहते हैं प्यार बढ़ता है, एक लिंक बनता है, एक बिजनेस बनता है। तो इससे क्या होता है कि दोनों देशों की जो स्थिति है आपस में जो टकराव था उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, यानी कि एक दोनों देशों के बीच एक प्यार बढ़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं लोकतंत्र बल। यहाँ पर लोकतंत्र में हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, यानी कि लोकतंत्र में वही सरकार होती है जो हम सरकार बनाते हैं, यानी कि जिसको हम वोट देंगे वही आगे आकर हमारा नेता बनेगा। तो यानी कि इसके जरिए भी हम आपस में एक दूसरे के जो देश हैं उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से संबंध बना सकते हैं। जिसकी मान लीजिए अभी हमारे देश में अंबानी है इंडिया में, वो कोई नेता नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है जिनके पास बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो कहते हैं आपस में बिजनेस करके किसी कहते हैं USA के साथ, कहते हैं यूरोप के साथ बिजनेस करके जो भी कहते हैं डिफरेंसेस हैं किसी अदर कंट्रीज़ के साथ उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं, यानी कि दोनों देशों को एक साथ कर सकते हैं अपने बिजनेस के जरिए, अपने खेल कूद के जरिए, अपने एक्टिंग के जरिए, किसी भी तरीके के जरिए। एक समान व्यापार सबसे मेन है, सभी देशों के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए, यानी कि जैसे अमेरिका सबके साथ कहते हैं व्यवहार कर रहा है, वो एक सा व्यवहार के सभी देशों के साथ, चाहे वो कहते हैं इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यूरोप हो, चीन हो, तो यानी कि किसी भी देश के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके साथ एक तरीके से व्यवहार होना चाहिए। लास्ट हम कह सकते हैं वैश्वीकरण, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाकर सभी देश आपस में व्यापार कर सकते हैं, आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच जो कहते हैं डिफरेंसेस हैं, जो कहते हैं टकराव हैं, उनमें ज़्यादा कमी होगी और दोनों देशों के आपस में लिंक बनेंगे, संबंध बनेंगे और अच्छे से वो बिजनेस कर पाएंगे। यानी कि यही था उदारवाद और नव उदारवाद में, यानी कि एक सोच में और एक नई सोच में, इसी को कहा जाता है उदारवाद सिंपल डेफिनेशन में। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वैश्वीकरण क्या है, इसके विभिन्न आयामों को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। देखिए, जब दो देश आपस में बिजनेस करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो उसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। जब एक विकासशील देश में कहते हैं एक विकसित देश इन्वेस्टमेंट करता है तो उसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। इसमें दोनों ही देशों का फायदा होता है, क्योंकि जो विकसित देश है उनको कहते हैं मौका मिलता है और भी देशों में अपनी कंपनी खोलने का, इन्वेस्टमेंट करने का और अपनी कंपनी को फैलाने का, और विकासशील देशों को फ़ायदा ये होता है कि उनमें कहते हैं उनके देश में बड़े पैमाने पर उनकी अर्थव्यवस्था पर सुधार आता है, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट होती है, लोगों को रोज़गार मिलता है, और कहते हैं महिलाओं को कहते हैं काम करने के प्रति कहते हैं मौका मिलता है, क्योंकि उससे बहुत बड़ी बड़ी कहते हैं मौके खुलते हैं कंपनीज में, ठीक है। तो यानी कि इससे लोगों का विकास भी होता है विकासशील देशों में। तो यानी कि वैश्वीकरण, अगर आपको कहते हैं किसी भी देश में विकास करना है तो वहाँ पर आपको वैश्वीकरण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना किसी वैश्वीकरण के आप किसी भी देश का विकास नहीं कर सकते।
तो इसी के लिए गैट का निर्माण किया गया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिससे कि सभी देश खुलकर कहते हैं आपस में बिजनेस कर सके, आदान प्रदान कर सके वस्तु का, कोई भी कहते हैं प्रॉब्लम ना हो, कोई भी रुकावट ना हो, कोई भी ज़्यादा प्रतिबंध ना लगाए जाएं। अब बात करते हैं इसके राजनीतिक प्रभावों की। देखिए, जब कहते हैं एक विकसित देश विकासशील देश में पैसा लगाता है तो क्या होता है, उस देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा सुधार आता है। तो इस पर कहते हैं राजनीति में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उस देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा सुधार आता है, उस देश में कहते हैं रोज़गार में कहते हैं बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, यानी कि लोगों को काम मिलता है, लोगों का डेवलपमेंट होता है, लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं। क्योंकि जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया होती है, जब MNC कंपनीज खुलती हैं, तो वो साथ साथ कहते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट भी साथ लेकर आती हैं। तो यानी कि जो कहते हैं विकासशील देश में जो लोग हैं उनको भी कहते हैं नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, उनको भी नई नई चीज़ों के साथ काम करने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं इसके सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़े हैं। देखिए, वैश्वीकरण के आ जाने से हम कहते हैं आज जीन्स पहनते हैं, आज हम कहते हैं धोता और कुर्ती नहीं पहनते हैं, आज हम मोमोज खाते हैं और भी कई चीज़ें खाते हैं। तो यानी कि इसने हमारी संस्कृति पूरी तरीके से बदल दी है, हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है हम सबसे, क्योंकि आज हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, पश्चिमी देशों के जो कहते हैं संस्कृति है उसको अपना रहे हैं अपने देश में। क्योंकि जब कहते हैं एक विकसित देश की कंपनी विकासशील देश में आती है तो वो साथ साथ कई परिवर्तन भी लेकर आती है, तो इससे संस्कृति पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। ठीक है, तो वैश्वीकरण के आ जाने से लोगों की कहते हैं सोच में बहुत ज़्यादा फर्क आया है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, लोगों को रोज़गार मिला है, महिलाओं को काम करने का मौका मिला है, खुलकर अपने विचार प्रकट करने का मौका मिला है वैश्वीकरण के आ जाने से। कई नए नए रूल भी बनाए गए हैं वैश्वीकरण के आ जाने से, अब लोग खुलकर कहते हैं काम कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं खेती बाड़ी करते हैं वो भी कहते हैं अब अपने गेहूँ चावल बाहर की कंट्रीज में कहते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं कहते हैं, और भी कहते हैं जैसे कि खाद वस्तुएं होती हैं, और भी कहते हैं पेस्टिसाइड होती हैं, उनको भी आदान प्रदान कर सकते हैं। यानी कि अब कोई भी देश किसी भी देश के साथ बिजनेस कर सकता है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाकर, तो यानी कि इससे दोनों ही देशों का फ़ायदा हुआ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि चीन ने अपना विकास बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से किया है, बहुत ही तेज़ तरीके से किया है। आने वाले 2030 में, यानी कि 2030 आएगा जब 10 साल के बाद, तो उस समय चीन अर्थव्यवस्था में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। यानी कि चीन ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाकर अपने देश का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। यानी कि अगर किसी भी देश का विकास करना है तो उनको वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाना ही पड़ेगा। तो यही था आपका वैश्वीकरण वाला क्वेश्चन, इस पर एक वीडियो मेरी पहले भी आ चुकी है, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर डाल दूंगा। और एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, नई उभरती हुई शक्ति के रूप में चीन पर टिप्पणी करें, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं यहाँ पर डाल दूंगा, वहाँ पर जाके वो क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नारीवाद उपागम को स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस साल, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार आया एग्जाम में, और इस बार भी इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो अब बात करें सबसे पहले पॉइंट की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद, यानी कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नारीवाद को आगे करते हैं तो एक वॉर की स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि पुरुषों का स्वभाव बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वो किसी भी विषय को लेकर बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं। अगर बात करें महिलाओं की, तो उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा कोमल होता है, बहुत ज़्यादा नरम होता है, तो वो किसी भी विषय को किसी भी मैटर को अच्छे तरीके से संभाल सकती हैं, वो एक ऐसी वॉर की स्थिति बनने को रोक सकती हैं। यानी कि वो चाहती नहीं कि कहते हैं कोई भी देश में वॉर हो, क्योंकि जब एक वॉर होती है तो कहते हैं दोनों ही देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, सैनिक तौर पर आर्थिक तौर पर उस देश की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। यानी कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नारीवाद को आगे लेके आते हैं तो एक वॉर की स्थिति नहीं बनती है, ऐसा हम कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं युद्धों का प्रभाव। देखिए, जब एक देश का सैनिक शहीद होता है अपने देश के लिए, तो वो किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का पति होता है। यानी कि महिलाएँ सैनिक में, यानी कि महिलाएं देश के लिए लड़कर ना भी
एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं, अपने भाई को फौज में भेजकर, अपने बेटे को फौज में भेजकर वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं अपने देश के लिए। तो यानी कि महिलाओं की जो कहते हैं स्थिति है, जो उनका लेवल है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने देश के लिए, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है। क्योंकि जो माँ अपने बेटे को खोती है वही उसका दर्द समझ सकती है, क्योंकि उसने अपना बेटा भेजा होता है देश की रक्षा करने के लिए। तो वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नारीवाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महिलाएं। देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महिलाएं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में वृद्धि करें, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र हो, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ती ही जा रही हैं। अगर उनको और मौका मिले तो वो और अच्छे तरीके से अपने देश का विकास कर सकती हैं। क्योंकि इससे क्या हुआ है, पुरुषों और कहते हैं महिलाओं के बीच असमानता में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, यानी कि अब दोनों को कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है। क्योंकि पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस था महिलाओं और पुरुषों में, लेकिन अगर हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर महिलाओं को आगे लेके आएंगे तो उससे क्या होगा, और भी दूसरी महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, उनको कहते हैं मोटिवेशन मिलेगी कि अगर ये ऐसा करें तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो यही था आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की आप खास तरीके से प्रिपरेशन करके जाएं, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने के इस बार काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने का प्रावधान किया गया। देखिए आज हम सभी अपने देश का विकास करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अपने पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है, USA, यूरोप, जर्मनी, जापान, हर जगह ऐसा हो रहा है। सभी अपने देश का विकास करना चाह रहे हैं लेकिन साथ ही साथ अपने पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आज हम निरंतर विकास करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके साथ साथ पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता जा रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, लोग जल्दी बीमार हो रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि वायुमंडल में बहुत ज़्यादा कहते हैं खतरनाक गैसेस आ चुकी हैं, जिससे बहुत ज़्यादा लोग जल्दी बीमार हो रहे हैं। तो हमें इस पर किस तरीके से कंट्रोल लाना चाहिए, कैसे कैसे काम हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल, देखिए जापान के एक गांव में क्योटो में ये सम्मेलन चलाया गया, कहते हैं ठीक है, और ये सम्मेलन आपका 1997 में चलाया गया। ये सम्मेलन आपका ऑलमोस्ट 11 दिन तक लगातार चलता रहा, और इवन यहाँ पर जर्मनी के कहते जो कहते लोग थे, इवन जो कहते हैं पूरे विश्व के जो भी कहते लोग थे, जो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए थे, जो उसके पार्ट थे, या जो भी कहते हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स थे, उन सभी ने पार्ट लिया। लेकिन जर्मनी के एक मेंबर यहाँ पर पहुँचे क्योटा साइकिल चलाकर, यानी कि वो नौका एक नाव किश्ती के जरिए और साइकिल के जरिए क्योटो पहुँचे, ताकि कहते हैं कोई भी बाइक का कोई भी कार का यूज़ ना हो पाए, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है, और वो इसके बहुत ज़्यादा विरुद्ध थे। ये सम्मेलन ऑलमोस्ट आपका 11 दिन तक लगातार चला गया। ये सम्मेलन का मेन मोटिव था कि 21वीं शताब्दी में हमें जो कहते हैं खतरनाक गैसेस है उन पर हम किस तरीके से काबू पा सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हमें करने चाहिए, और क्या क्या तरीके अपनाकर हम इस गैसेस को 21 शताब्दी में 21st सेंचुरी में कम कर सकते हैं, जो कि हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक रहने वाली है। अब बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के प्रावधान की। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के प्रावधान को अपनाने में बहुत ज़्यादा कहते हैं दिक्कतें हुई, बहुत ज़्यादा विवाद हुए, क्योंकि कोई एक देश अगर कहते हैं उसकी कहते हैं उसको मानता था तो अन्य देश उसका विरोध कर देता था। जैसे कि कहते हैं यूरोप ने कहते हैं माना कि कहते हैं आने वाले 15 वर्षों में हम कहते हैं 15% तक जो खतरनाक गैसेस हैं उन पर कंट्रोल पाएंगे, लेकिन जापान और अमेरिका इस पर संतुष्टि नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हम कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं कि USA में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वहाँ पर अगर कहते हैं कंपनीज बंद हो जाएंगी तो उनके बिजनेस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब एक कंपनी होती है, कोई केमिकल कंपनी है, तो उसका कहते हैं कहीं ना कहीं कहते हैं खतरनाक गैसेस उसके ऊपर से निकलती हैं, जो कि पूरे कंट्री को पूरी सिटी को गंदा कर देती हैं, जिससे लोग बीमार होते हैं, खतरनाक बीमारी फैलती है।
तो जापान और यूएसए के लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे थे कि हम 15 आने वाले 15 सालों में 15% तक गैसेस को कम कर पाएंगे, लेकिन यूरोप ने बोला कि मैं कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल के प्रावधान को लागू करने में बहुत सी दिक्कतें आईं। अगर एक देश मानता था तो दूसरे देश उसका कटकर विरोध करता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल ऑलमोस्ट कहते हैं 2007 तक चलाया गया और 172 देशों ने इस पर अपनी सहमति रखी, ठीक है, कि हम इसको मानेंगे, और इंडिया ने भी इस पर अपने साइन किए कि यस ऐसा पॉसिबल। लेकिन आपका ऑस्ट्रेलिया और जापान ने इस पर पुष्टि नहीं की कि आने वाले सालों में हम इतने प्रतिशत गैस कम करेंगे, यानी कि जो खतरनाक गैसेस फैली हुई है हमारे वायुमंडल में इन पर रोक लगाएंगे, या कहते हैं कंपनीज को कहते हैं स्टॉप करेंगे, या कुछ नए कहते हैं रूल्स कहते हैं लागू करेंगे, कुछ नए रूल्स इंप्लीमेंट करेंगे अपने कंट्रीज में, ताकि हमारे कहते जो कंट्री है, जो सिटी है, उसको हम कहते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से सुधार पाएँ और अपने पर्यावरण को बचा पाए। देखिए, हमारे पुरखों ने आज हमारे लिए पेट्रोल छोड़ा है, पानी छोड़ा है, ये धरती छोड़ी है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक साफ सुथरा पर्यावरण छोड़ें, एक अच्छा पानी छोड़ें, एक साफ सी सिटी छोड़ें। ठीक है, क्योंकि देखिए इन सभी खतरनाक गैसेस से बहुत ज़्यादा धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, यही रीज़न है कहते हैं कि दिन ब दिन आने वाले सालों में गर्मी बढ़ती ही जा रही है। अगर बात करें आज से 50 साल पहले तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, उसका रीज़न ये है कि कहते हैं बहुत सी कंपनीज आने की वजह से सभी देश अपने देश का बहुत ज़्यादा विकास कर रहे हैं बहुत ही फास्ट तरीके से, और कंपनीज लगाते जा रहे हैं MNC कंपनीज, तो उससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं कहते हैं खतरनाक गैसेस से हमारे वायुमंडल में, हमारी सिटीज़ में, हमारी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है, और इस पर हमें रोक लगानी चाहिए, हमें निरंतर विकास करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण को भी देखना चाहिए कि उस पर कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, जैसे हमें हमारे पुरखों ने एक साफ़ सुथरी सिटी दी, एक साफ़ सुथरी कहते हैं कंट्री दी, पानी दिया, एक पर्यावरण दिया, अच्छा पर्यावरण, तो हमें भी अपने आने वाली जनरेशन को एक अच्छा पर्यावरण देना है। तो यही इस क्वेश्चन में बताया गया है, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि आपका जापान में हुआ था, जो कि आपका 1997 में चलाया गया था, और ये जो सम्मेलन था ये लगातार 11 दिन तक चला था। ठीक है, सबसे मेन यही बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, आज के इतने क्वेश्चंस, एक और वीडियो आप सबके लिए बहुत जल्द आने वाली है आपके एग्ज़ाम से पहले पहले, डोंट वरी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अभी भी आपके बाकी रह गए हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस अभी बाकी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, सो डोंट वरी, एग्ज़ाम से पहले पहले मैं वीडियो ले आऊँगा, आपको कहते हैं डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक कहते हैं कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की, अगर ये सभी बच्चे इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन दिए थे, आप सब ने अच्छे से कहते हैं एग्ज़ाम दिया और आप सभी हैप्पीली खुश हैं, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, बहुत कॉल्स भी आएंगे, सर जैसे आपने बताया था कहते हैं एग्ज़ाम वैसा एज इट इज़ ये आ गया है, यानी कि पूरा का पूरा 100 नंबर का एग्ज़ाम आपका वैसे का वैसे ही आया है जैसे कि आपने बताया था। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे आपका माइंड भी डाइवर्ट हो सकता है, क्योंकि जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं आपको सिंपल डेफिनेशन में बताए हैं, कोई भी बुक की लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज़ नहीं की है, इवन जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी इस वीडियो को इजीली समझ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।